तो भैया इस नज़ारे के लिए हम पूरा यहाँ तक आए हैं, और इस नज़ारे की अपनी एक बात है क्योंकि यहाँ से पूरा वैंकूवर दिखता है। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि आज का जो दिन है ना वो है मेरे लिए काफ़ी लंबा दिन, क्योंकि आज का दिन शुरू हुआ था सुबह की एक 6 घंटे की जॉब से, और अभी भी ना मेरे पास एक दो और काम है। लेकिन उन कामों में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ आज के दिन की एक खास बात है। आज का दिन ख़त्म होगा एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पे, और ऐसी जगह पे जहाँ से पूरा वैंकूवर दिखता है, और वैंकूवर के आगे 2-3 पहाड़ है वो दिखते हैं, और वो जगह कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। उस जगह का नाम है वैंकूवर स्काईलाइन। मैंने इंटरनेट पे उसकी इमेजेस देखी है, आई एम लाइक भाई यहाँ तो जाना ही है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये एरिया। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझको एक दो काम है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उन सबसे पहले एक कॉफ़ी पे करते हैं, बिकॉज सुबह की जॉब के बाद अभी घर आया, घर आती है अब ब्लॉक के लिए निकल गया हूँ, तो एक कॉफ़ी पकड़नी बहुत ज़रूरी है। बाहर हो रही है हद से ज़्यादा गर्मी है, और मैं सोच रहा था कि जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था तब ना मुझे वैंकूवर में इतनी गर्मी लगती नहीं थी, और अब मुझे यहाँ की शायद आदत हो गई है इसलिए मुझे यहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आई एम थिंकिंग कि अगर मैं फ्यूचर में कभी इंडिया जाता हूँ तो मुझे वहाँ जाके, मतलब दिल्ली में स्पेशली, कितनी ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। और अब आज के बारे में बात करें तो यार आज ना मेरे को सिर्फ 2 काम बाकी हैं, सुबह के जॉब तो हो गई है, और आज के 2 काम ये कि पहले मेरे को जाना है अभी बैंक। मैंने सोचा कि यार मेरी जॉब लग गई है तो मैं क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दूँ, तो अभी क्रेडिट कार्ड की अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाना है बैंक की तरफ, और फिर उसके बाद मेरे को जाना है ये थाज के साथ ब्लॉक करने के लिए, और कॉफ़ी पीते हैं और फिर बैंक की तरफ चलते हैं। तो भैया सीन को जैसा बैंक का काम तो हो गया है, लेकिन मैं हो गया हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट, बिकॉज बैंक में थी बहुत ही बड़ी लाइन, और मेरे को बैंक में, मुझे एक्सपेक्टेड था कि 15 मिनट लगेंगे लेकिन 1 घंटा लग गया, और अब मैं हो गया बहुत ही ज़्यादा लेट, बिकॉज यथार्थ से मुझे आधे घंटे के अंदर मिलना है, और जहाँ मेरे को जाना है उसका रास्ता यहाँ से 1.5 घंटे का है। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, अभी मैंने 1 घंटे पहले उसको फ़ोन किया था और बोला था भाई आज लेट हो बताइयो, बिकॉज लास्ट 2 बार से जब हम मिल रहे थे वो 15-15, 20-20 मिनट लेट आ रहा था बेचारा, और आज मैं 1 घंटा लेट होने वाला हूँ, और वो मेरा 1 घंटा वेट करने वाला है, वो भी घर से निकल चुका है, तो है राम अब सीधा वहाँ पहुँचते हैं और मिलते हैं, और मेरी बस आ गई है मुझे दिख रहा है, तो बाय बाय। तो भैया जैसे कि मैंने आज आपको सुबह बताया था, आज का दिन लंबा है लेकिन दिन की ना एंडिंग बहुत ही प्यारी जगह पे होने वाली है। भाई के साथ, भाई नहीं, मेरे को एक जगह से इंट्रोड्यूस किया है जो अभी हम जा रहे हैं, और वहाँ का ना सीनरी, वहाँ की वाइब अलग है और बेस्ट है। एक चीज़ बता दूँ कि ये हमारा आखिरी व्लॉग है साथ में, इसके बाद हम एक कोलैबोरेशन तोड़ रहे हैं, क्योंकि आज इसने मुझे 1 घंटा वेट करवाया, और यथार्थ को कभी कोई वेट नहीं करवाया। अभी अभी तो 1 घंटा ही कराया है, अभी तो बहुत घंटे वेट कराना है इसको। तो भैया अभी हम हैं क्वीन एलिजाबेथ पार्क में, और इस पार्क का अलग ही एक वाइब है, शांति शांति सी है वाइब में। लोग यहाँ पे पीछे कैंपिंग करने आ रहे हैं, देखो वहाँ पे उसकी व्लॉगिंग चल रही है, यहाँ पे मेरी व्लॉगिंग चल रही है, तो बस यही चल रहा है। और यार पार्क की ट्रैकिंग कर रहे हैं अभी हम ऊपर तक, और ट्रैकिंग से मुझे अपनी पुरानी वीडियो याद आ रही है जिसका भी लिंक फ्लैश हो रहा होगा ऊपर, तो अगर आपको वो देखनी है तो वो भी देख सकते हो। बाकी अभी ऊपर का नज़ारा बहुत ज़्यादा वर्थ है, मैंने पिक्चर देखी हुई है।
तो आप यहाँ पे सबसे फालतू हरकत इमेजिन करो क्या हो सकती है, हम वही करने जा रहे हैं। तो अभी वहां से वहां तक मैं रोल करते करते गया हूँ, मेरे से रुका ही नहीं गया, और ये मुझे कह रहा है कि भाई तू और गाड़ी के सामने आ जाता। उधर दिखा कैमरा, वहां पर गाड़ी आके खड़ी हो गई, गाड़ी वाला मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, भाई मैं नहीं जानता इसको, और मैं रोल कर जा रहा हूँ, और मेरे को उसके बाद बोलता है भाई अगर तू गाड़ी के सामने आ जाता तो मेरे चैनल पर तो 1 मिलियन हो जाते हैं। प्रॉफिट हर जगह देखना चाहिए, दुख होता बट इसने लेट भी तो कराया फिर मुझे। भैया इस नज़ारे के लिए हम पूरा यहाँ तक आए हैं, और इस नज़ारे की अपनी एक बात है, क्योंकि यहाँ से पूरा वैंकूवर दिखता है, पूरा विस्लर दिखता है। वहाँ पे 3 माउंटेन्स हैं जो जिसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ग्राउस माउंटेन, द लायंस एंड द हॉलीबर्न रिज। तो ये 3 माउंटेन है सामने जो आपको दिख रहे होंगे, और इस नज़ारे के लिए यहाँ तक आना बिल्कुल वर्थ इट था। Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. यहाँ से नीचे चलें भाई। अरे यार देख, पहले यहाँ पे चलते हैं, फिर यहाँ से इधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर नीचे। बस सही तो है, मैं तो कर रहा हूँ, पहले तू कर, पहले तू, पहले मेरे को एक बार एग्जांपल दिखा दे, फिर मैं पीछे पीछे आता हूँ। पर अगर मैंने कर लिया तो तू आ जाएगा भाई, फिर तो मैं उड़ता उड़ता होऊंगा, तेरे से पहले पहुंच जाऊंगा, फिर तो कंपटीशन लगा। डन है फिर, डन है ब्रो, डन। मैं कर लूंगा, मैं पागल हूं भाई। हम चंडीगढ़ वाले हैं भाई, हम डन करते हैं। हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले बोल देते हैं फिर करते हैं भाई। तुम तो भाई, तुम्हारा बाप कौन है यही करते रहते हो। तो भैया आज का नजारा तो मैंने आपको दिखाया, और अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाना बेस्ट पार्ट होता है ट्रैकिंग का, बिकॉज़ पागल है क्या, मैं डर गया भाई। बिल्कुल मुझे लोकेशन है, तो मैंने कहा क्यों ना इसे भूत बनकर डराया जाए थोड़ा सा। तो भैया फिर आज की कहानी सिर्फ इतनी सी थी, अभी भाई वहाँ पे अपना एंड शॉट ले रहा है, मैं यहाँ पे अपना एंड शॉट ले रहा हूँ। यार आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को। हम 2000 पहुंचने वाले हैं, तो 2000 पहुंचा दो यार, अब मेरा मन है 2000 पहुंचने का। आज पे लेटे लेटे जो वाइब आती है उसका अपना मजा है।